कोडरमा से खबर है जहां राज्य में नियोजन नीति रद्द मामलों में कोडरमा के छात्र छात्राओं द्वारा जन आक्रोश रैली निकाला गया। बता दें कि नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने के बाद पूरे राज्य के छात्र छात्रा आक्रोश नजर आ रहे हैं और सड़क पर उतर चुके हैं। इसी कड़ी में आज कोडरमा जिला के भी छात्र छात्राओं भी सड़क पर उतर कर कड़े विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि झुमरी तिलैया बस स्टैंड से पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी करते हुए ब्लॉक मैदान में समापन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, झारखंड शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, छात्र युवा मांगे अधिकार का रोजगार के नारे लगाया गया। इस बाबत छात्र छात्राओं का कहना है कि 10 से 15 दिनों के अंदर सरकार जल्द से जल्द गलत नियोजन नीति का फैसला सुधार करे। इस दरमियान विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक वीरेंद्र कराटे ने कहा कि जब सत्ता पर बैठकर इतना बड़ा संविधान बना सकता है, लेकिन झारखंड में नियोजन नीति को क्यों नहीं बना पा रही है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। संघ की रैली है और सरकार के नियोजन नीति को लेकर के जो हाईकोर्ट ने रोक लगाया था, सरकार अब जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है उसको रोकने का ये आगाज है। और ये इस आगाज के साथ झारखंड सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कोडरमा के धरती से कि सरकार हाई सुप्रीम कोर्ट ना जाए और वो हाईकोर्ट की बातों को माने और नियोजन नीति जल्द से जल्द लागू करे और जो न्यूनतम जो 5 वर्ष की जो छूट हम लोग चाहते हैं वो छूट हमें मिले और जो लंबित वैकेंसी है सरकार के पास वो जल्द से जल्द जारी करे ताकि बच्चे जो झारखंड के बच्चे हैं 4 साल 5 साल से पढ़ रहे हैं और उनके पास अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उनका एज खत्म हो जाएगा। और इसी डर से या इसी आगाज को लेकर के आज हम लोग एक साथ जुटे हुए हैं सरकार से एक तरह से ये चेतावनी समझा जाए कि अगर सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति जारी नहीं करता है तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे और इससे भी ज़्यादा हिंसात्मक होगा। इसमें कोई हिंसा की बात नहीं है, सरकार को बिल्कुल माननी चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है तो अगले बार ये सरकार नहीं आएगी। ये छात्रों का आवाज है और पूरे झारखंड के छात्रों का आवाज है। सरकार इस तरह से मनमानी करेगी तो ये सरकार की नहीं चलेगी, कुर्सी बिल्कुल गिर जाएगी, बिल्कुल गिरेगी।